हेलो एवरीवन, वेलकम टू एमएस एजुकेशनल टीवी। इस वीडियो में हम स्टेट 2017 के एग्जाम में पर्यावरण अध्ययन यानी कि इन्वायरमेंटल स्टडीज से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आए थे उनको डिस्कस करेंगे। यदि आपको स्टेट के और भी क्वेश्चन पेपर देखने हैं विद सॉल्यूशन तो आप मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर जाके देख सकते हैं, और यदि आपको स्टेट के क्वेश्चन पेपर डाउनलोड करने हैं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको वेबसाइट का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। नाइट्रोजन स्थिरीकरण के विपरीत नाइट्रोजन चक्र का भाग है, तो इसका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा, विनाइट्रीकरण, यानी कि नाइट्रोजन स्थिरीकरण के जो विपरीत नाइट्रोजन का जो चक्र का भाग होता है उसको बोलते हैं विनाइट्रीकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक झील में द्वितीय पोषण सत्र होता है, तो इसका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा, अपना जंतु पलवक, जो थर्ड ऑप्शन क्या हो जाएगा अपना राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सा वाहनकारित प्रदूषक नहीं है, तो इसमें आपको यह बताना कौन सा जो है वाहनकारित प्रदूषक नहीं है। तो यहाँ पे आप देखेंगे कणीय पदार्थ जो है ये आपका वाहनकारित प्रदूषक है, जो कार्बन मोनोऑक्साइड है ये भी है, कार्बन डाइऑक्साइड ये भी है, लेकिन जो थर्ड ऑप्शन है सल्फर डाइऑक्साइड ये क्या नहीं है, वाहनकारित प्रदूषक नहीं है। तो इसका जो राइट आंसर क्या आ जाएगा, जो थर्ड ऑप्शन क्या हो जाएगा अपना राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जल में किस रोगजनक सूक्ष्म जीव की उपस्थिति जो है संदूषण की सूचक है, तो इसका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा, जो फर्स्ट ऑप्शन है कोलीफार्म जीवाणु, तो बिल्कुल क्या हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा राज्य गंगा कार्य योजना द्वितीय चरण में सम्मिलित नहीं है, यानी कि कौन सा जो स्टेट है जो गंगा कार्य परियोजना के जो द्वितीय चरण है उसमें सम्मिलित नहीं है, तो यहाँ पे देखेंगे जो झारखंड है ये भी सम्मिलित है, उत्तराखंड भी है, हरियाणा भी है, लेकिन जो मध्य प्रदेश है ये क्या नहीं है, इसमें सम्मिलित नहीं है, तो इसका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा, मध्य प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कोयला, लाइमस्टोन, पेट्रोलियम, जंतु कवच सभी संबंधित है, तो सभी किससे संबंधित है, तो ये सभी को पता होगा कार्बन चक्र से, जो कार्बन साइकिल क्या इसका राइट है आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सा अपवर्ज्य खरपतवार है, तो इसका जो राइट आंसर है ये क्या हो जाएगा आपका पार्थिनियम, जो फोर्थ ऑप्शन क्या हो जाएगा बिल्कुल राइट। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा अजैव कारक नहीं है, तो इसमें से आपको जो है अजैव कारक बताना है, तो सूर्य का प्रकाश ये भी जो है अजैव कारक है। नेक्स्ट है, जल ये भी अजैव कारक है, ताप भी जो है जैव कारक है, लेकिन जो अपघटक है ये क्या नहीं है, अजैव कारक नहीं है, तो इसका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा, जो थर्ड ऑप्शन क्या हो जाएगा अपना राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, असत्य कथन का आपको चयन करना है, जिनके निम्न में से जो रॉन्ग है उसको आपको चयन करना है, तो फर्स्ट ऑप्शन देखिए, पारितंत्र के विभिन्न घटक अन्योन्याश्रित होते हैं, तो ये बात बिल्कुल सही है, गलत नहीं है। ऊर्जा का ह्रास एक पारितंत्र में पोष सत्रों की संख्या को सीमित करता है, ये भी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है, ओजोन जो है क्षरण में सीएफसी का मुख्य योगदान होता है, ये भी बिल्कुल सही है, सीएफसी जो है मेन रोल निभाता है ओजोन का जो है डिप्लेशन में, यानी कि क्षरण करने में। लास्ट है, मानव क्रियाकलापों द्वारा उत्पन्न जो है कचवा सदैव जीव निम्नीकरण है, तो ये बात बिल्कुल क्या है रॉन्ग है, जो फोर्थ ऑप्शन क्या हो जाएगा राइट, तो इसमें जो सही आंसर क्या होगा फोर्थ, और ये क्या है फोर्थ ऑप्शन क्या हो जाएगा असत्य कथन है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में जैव विविधता अधिकतम होती है, तो इसका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये जो है 130 का जो राइट आंसर क्या हो जाएगा, उष्ण कटिबंधीय वर्षा वन, इनमें क्या होता है जैव विविधता अधिकतम पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वायु प्रदूषण के संदर्भ में असंगत को पहचानने, तो इसमें जो है वायु जो है प्रदूषण के लिए जो असंगत कौन सा है उसको आपका चयन करना है, तो ये क्या हो जाएगा सुपोषिता, तो फर्स्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा अपना राइट। नेक्स्ट है, विश्व वन्य जीव सप्ताह मनाया जाता है, तो विश्व जो है वन्य जीव सप्ताह कब मनाया जाता है, ये मनाया जाता है अक्टूबर के जो है फर्स्ट वीक है उसमें मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पृथ्वी की सतह के निकट मुख्य वायुमंडलीय परत है, तो पृथ्वी जो है इसकी स्टार्टिंग में जो फर्स्ट परत है इसको क्या बोलते हैं सौम मंडल, फिर उसके बाद बाहर जाएंगे तो समताप मंडल जो है इसी तरीके से चलते रहेंगे, फिर आ जाएगी बाह्य मंडल, तो पृथ्वी की जो सबसे निकट जो जो है वायुमंडलीय परत है इसका नाम क्या है सौभ मंडल, तो 133 का जो राइट आंसर क्या हो जाएगा फर्स्ट सौभ मंडल। वीडियो अच्छी लग रही है तो इसको लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस में जैव विविधता सर्वाधिक है, तो इसमें बताना है कि कौन सा देश है जिसकी जो जैव विविधता सर्वाधिक है, तो जो ब्राजील है इस जो देश है ब्राजील देश की जो है सबसे ज्यादा क्या है जैव विविधता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फास्फोरस चक्र एप्रियाइक होता है क्योंकि यह है पूर्ण रूपेण होता है, तो इसका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा अपवादी, जो थर्ड ऑप्शन क्या होगा इसका अपना राइट।
नेक्स्ट है, स्थलीय हरे पादपों की पत्तियों द्वारा उपलब्ध सौर ऊर्जा का कितना भाग खाद्य ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है? तो कितना भाग परिवर्तित किया जाता है, ये होता है 1%। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सा एक जल प्रदूषक नहीं है? तो कौन सा जल प्रदूषक नहीं है, कौन सा जल जो प्रदूषित नहीं करता है? तो उर्वरक जो है जल को प्रदूषित करता है, पारा लवण भी करता है, जो है पीड़क नाशक जिसको बोलते हैं पेस्टिसाइड ये भी करता है, लेकिन जो ये आपका है एरोसोल ये क्या नहीं करता है, जल प्रदूषक नहीं है। तो इसका जो राइट आंसर क्या जाएगा, सेकेंड ऑप्शन क्या होगा, राइट। नेक्स्ट है, सीएफसी प्रमुख रूप से जो है उत्तरदायी है, तो सीएफसी प्रमुख रूप से उत्तरदायी किसके लिए है? ये ओजोन क्षरण के लिए है, यानी कि ओजोन डिप्लेशन, इसके कारण जो है ओजोन क्या हो रही है, जो परत है कम हो रही है, टूट रही है, ह्रास हो रही है जिसको बोलते हैं, तो सीएफसी इसके लिए क्या है सबसे ज्यादा जो जिम्मेवार है। नेक्स्ट है, अमृता देवी बिश्नोई के त्याग के लिए सर जो है प्रसिद्ध खेसडली गांव अवस्थित है, तो ये कौन से जो है कहाँ पे स्थित है, ये है जोधपुर में, जो सेकंड ऑप्शन क्या हो जाएगा अपना, राइट। नेक्स्ट है, निम्नलिखित को सम्मिलित कीजिए, यहाँ पे आपको मैचिंग करनी है, तो कौन सा ऑप्शन राइट होगा ये बताना है। सबसे पहले यहाँ पे देखिए पराबैंगनी किरणी, तो पराबैंगनी किरणी क्या होती है, ये आपकी हिमांदता, तो जो है ए का जो मैचिंग है ये किसके साथ होगी, थर्ड के साथ। नेक्स्ट देखेंगे यहाँ पे जो है जैव जो है अपघटीय कार्बनिक पदार्थ, तो ये हो जाएगा आपका BOD, तो जो बी का जो है कनेक्शन है ये किसके साथ होगा, फोर्थ के साथ। नेक्स्ट है DDT, ये क्या है आपका, ये आपका जैव आवर्धन, ये क्या है आपका जैव आवर्धन, तो इसमें जो है सी की जो मैचिंग है ये होगी आपकी फर्स्ट के साथ, और बचा हुआ जो डी है जो है फास्फेट, ये है आपका सुपोषण, तो जो डी की जो है कनेक्शन है ये किसका साथ होगा, सेकंड के साथ। तो इसमें ऑप्शन देख लेंगे कौन सा राइट है, तो यहाँ पे आप देखेंगे जो थर्ड ऑप्शन है ये क्या हो जाएगा राइट, इसमें जो है ए थर्ड के साथ मैचिंग है, बी फोर्थ के साथ, सी फर्स्ट के साथ, और डी सेकंड के साथ क्या है, मैचिंग। नेक्स्ट है, प्रमुख संसाधन जो सतल पर जीवन का निर्धारण करता है, तो इसका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा, जल, जल से ही जो एक प्रमुख जो साधन है जिसे जीवन का जो है पता चलता है, तो जीवन के निर्धारण के लिए सबसे जरूरी क्या है, जल। नेक्स्ट है, नहर सिंचाई की स्थानीय प्रणाली कुल लोकप्रिय है, तो ये जो है प्रणाली है कहाँ पे सबसे ज्यादा लोकप्रिय है, ये आपकी है हिमाचल प्रदेश में, जो फोर्थ ऑप्शन क्या हो जाएगा अपना, राइट। नेक्स्ट है, एक स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र में निम्नलिखित में से सर्वाधिक संख्या किसकी होती है, तो सर्वाधिक संख्या जो होती है ये आपकी अपघटक, जो फर्स्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट। नेक्स्ट है, बायोगैस जैव गैस का मुख्य घटक क्या है, तो ये सभी को पता होगा इसका जो मुख्य घटक है ये आपका CH4 है, जो जो बायोगैस के लिए मुख्य घटक है। नेक्स्ट है, हरित गृह प्रभाव किससे संबंधित नहीं है, तो हरित गृह प्रभाव किससे संबंधित नहीं है, तो जैसे पृथ्वी का औसत तापमान बढ़ता है, तो ये बात बिल्कुल सही है, त्वचा कैंसर प्रेरित करता है ये भी सही है, पृथ्वी सतह से ऊष्मा की निकासी को रोकता है, तो ये भी सही है, तो इसका मतलब संबंधित किससे नहीं है, ये आपका जो है सुपोषण से जो है संबंधित नहीं है, तो इसमें जो 145 का जो फर्स्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट। नेक्स्ट है, अपशिष्ट से मुक्ति पाने से संबंधित 3 R में सम्मिलित नहीं है, तो 146 में यहाँ पे देखेंगे तो क्या सम्मिलित नहीं है, तो रीयूज भी सही है, रिड्यूज भी सही है, रिसाइकल भी सही है, तो 3 R का मतलब ये होता है फर्स्ट सेकंड और थर्ड, रीयूज रिड्यूस और रिसाइकल, तो इसमें बताना कि कौन सा सम्मिलित नहीं है, तो जो है रीजनरेशन क्या नहीं है सम्मिलित नहीं है, जो है पुनरुद्भवन, जो थर्ड ऑप्शन क्या हो जाएगा अपना, राइट, तो R का मतलब जो है रीजनरेशन नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा SO2 प्रदूषण का सर्वोत्तम जो है सूचक है, तो जो SO2 प्रदूषण का जो सर्वोत्तम सूचक क्या है, ये आपका है लाइकेन, जो सेकंड ऑप्शन क्या हो जाएगा अपना, राइट। नेक्स्ट है, असत्य कथन का आपको चयन करना है कि इनमें से गलत कौन सा है, फर्स्ट देखिए लाइकन व मॉस मृदा निर्माण में सहायक हैं, तो ये बात बिल्कुल सही है, मृदा संरक्षण को सुनिश्चित करने वाला प्रमुख जो कारक है जो ह्यूमस है, ये बात भी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है, सूर्य जल और वायु का मृदा निर्माण में कोई योगदान नहीं है, तो ये बात बिल्कुल गलत है, इनका भी जो है योगदान होता है मृदा निर्माण में। नेक्स्ट है, मृदा में पाई जाने वाली खनिज तत्व उसकी जो, यहाँ भी ऐसा आपको चूज करना है जो गलत है, यहाँ लास्ट का है, मृदा में पाए जाने वाले खनिज तत्व उसकी जो है पैतृक चट्टान पर निर्भर करते हैं जिससे उनका निर्माण होता है, तो ये बात भी बिल्कुल सही है, तो इसमें असत्य कथन का चयन करना है, जो कथन क्या है गलत है, असत्य जो सही नहीं है, तो इसने कहा इसने बोला है कि सूर्य जल और वायु का जो है मृदा निर्माण में कोई योगदान नहीं होता, तो ये बात बिल्कुल असत्य है जो कि गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, स्मोक क्या है, स्मोक किसको बोलते हैं,
तो जो कोहरा आपने देखा होगा, कोहरा एवं जो धुएं का जो मिश्रण होता है उसी को क्या बोलते हैं, स्मॉग। वो जो फॉग और जो स्मॉग का जो मिश्रण होता है उसको बोलते हैं स्मॉग। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक पारितंत्र नहीं है? तो कौन सा जो है प्राकृतिक पारितंत्र नहीं है, तो वन भी है, तालाब भी है, झील भी है, लेकिन जो बगीचा है ये क्या नहीं है, प्राकृतिक जो है पारितंत्रिक नहीं है, क्योंकि बगीचा जो है मैन मेड होता है, आदमियों के द्वारा जो है लोगों के द्वारा बनाया जाता है, लेकिन बाकी जो चीज़ें हैं ये क्या हैं, प्राकृतिक है, नेचुरल है। तो इसका जो राइट आंसर क्या आ जाएगा अपना, बगीचा। थर्ड ऑप्शन क्या आ जाएगा इसका, राइट। यहाँ तक जो वीडियो अपनी कंप्लीट हो चुकी है, वीडियो अच्छी लगी है तो उसको लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ इसको जरूर शेयर करें। यदि आपको स्टेट के और भी क्वेश्चन पेपर देखने हैं विद सॉल्यूशन, तो आप मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर जाके देख सकते हैं। और यदि आपको स्टेट के क्वेश्चन पेपर डाउनलोड करने हैं, तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको वेबसाइट का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। यदि आप मुझे फेसबुक, इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पर फॉलो करना चाहते हैं, तो उसका लिंक भी आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप मुझे डायरेक्ट फॉलो कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।